Hello learners welcome back to my youtube channel today we will discuss about the fourth worksheet which is uh, sent by the education department from your geography chapter 1 resources and development so first of all students what is the definition of resources everything available in our environment which can be used to satisfy our needs is called resources वो सब कुछ जो हमारे पर्यावरण में हमारी नीड्स को सैटिस्फाइड करने में उनको फुलफिल करने में हेल्प करता है वो रिसोर्सेज है रिसोर्सेज आर गिफ्ट ऑफ नेचर सच एज सोइल Water, air, forest, or human creation, such as buildings, roads, and so on. The air that we breathe, the water, what we drink, the food that we eat, the minerals that we use, our means of travel and communication are. All examples of resources. आप लोगों को resources की डेफिनेशन पता चल गई है रिसोर्सेज क्या होते हैं उसके बाद कोई भी रिसोर्सेज कोई भी resources, resources यानी कोई वस्तु resources हैं या नहीं इसके लिए कुछ फीचर्स होना कंपल्सरी है फर्स्ट जो जिस वस्तु को जिस थिंग को हम रिसोर्सेज मान रहे हैं वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए इकोनॉमिकल फिजिबल होनी चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए आई नो स्टूडेंट्स ये काफ़ी भारी भारी-भरकम टर्म हो गई हैं हम इनको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं बट आपको ये टर्म पर्टिकुलरली याद करनी पड़ेंगी लेकिन हम ये होती क्या हैं इनको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक टेंपल है और गवर्नमेंट को पता चलता है कि इस टेम्पल के नीचे बहुत सारा ऑयल है यानी कि जो क्रूड ऑयल होता है जो रॉ फॉर्म में हमें मिलता है लैंड के नीचे से हम उसको निकालते हैं तो हमें गवर्नमेंट को पता चलता है कि उसके नीचे ऑयल है अब गवर्नमेंट क्या करना चाहेगी? उसे निकालना चाहेगी अब सबसे पहली सिचुएशन थी आपकी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। यानी कि उस इस क्रूड ऑयल को इस रॉ ऑयल को इस टेम्पल के नीचे से निकालने के लिए क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी है क्या हम इतने सक्षम हैं कि टेक्नोलॉजी में कि हम इस क्रूड को इस ऑयल को इस लैंड से निकाल पाए दैट इज़ टेक्नोलॉजिकली अब है इकोनॉमिकली हमने इसको निकाल लिया है मान लीजिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है और हमने इसको निकाल भी लिया है क्या उसके बाद ये हमें इस टेक्नोलॉजी पे खर्च हुए पैसों को कम करके क्या हमें पैसे देगा क्या हमारी इकोनॉमी को स्ट्रोंग करेगा दैट इज कंडीशन इकोनॉमिकली फिजिबल अब बचता है कल्चरली एक्सेप्टेबल इसी एग्जाम्पल पर दोबारा से आते हैं जो सोसाइटी है आप ये मत सोचिए कि ये टेम्पल है इट कैन बी मॉस्क्यू इट कैन बी एनी रिलीजियस प्लेस हम एक सिंपल सी चीज़ से समझ लेते हैं और जो सोसाइटी है जिसका ये रिलीजियस प्लेस है क्या वो सोसाइटी इस ऑयल को इस टेंपल के नीचे से निकालने की परमिशन देगी क्योंकि हो सकता है ये देर इज़ अ पॉसिबिलिटी यदि हम इस ऑयल को इस टेंपल के नीचे से निकालेंगे तो टेंपल को कोई नुकसान हो सकता है या इस रिलीजियस प्लेस को कोई नुकसान हो सकता है मैं वंस अगेन टेम्पल मैंने ऐसे ही लगाया है हम इसको कोई भी एक रिलीजियस प्लेस मान सकते हैं इट इट इज़ एन इमेजनरी सिचुएशन ओके तो क्या सोसाइटी ऐसी परमिशन देगी इफ द सोसाइटी गिव्स द परमिशन देन इट इज़ कल्चरली एक्सेप्टेबल तब ये जो ऑयल है ये हमारा रिसोर्सिस हो जाएगा फर्स्ट थिंग इकोनॉमिकली एक्सेसिबल सॉरी टेक्नोलॉजिकली एक्सेबल इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल जब ये इन तीनों कंडीशंस को फुलफिल करेगा तभी ये हमारा रिसोर्स होगा कीप इन माइंड आई थिंक इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू ओके अब नेक्स्ट चलते हैं अब हमें देखना है कि जो रिसोर्सेज हैं और डेवलपमेंट है उनका आपर, आपस में क्या कनेक्शन है स्टूडेंट्स जितने भी रिसोर्सेज हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं ऑब्वियसली नेचर से फिजिकल इन्वामेंट से और ये जो इन रिसोर्स को हम कैसे एक्सेसिबल करते हैं टेक्नोलॉजी से करता कौन है ह्यूमन बींग ना हम ही तो कर रहे हैं हमने टेक्नोलॉजी से उसको निकाल लिया फिर विभिन्न इंस्टीट्यूशंस डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से होते हुए वो प्रॉफिट किसको दे रहे हैं ह्यूमन बींग को पैसे किसको दे रहे हैं ह्यूमन बींग को तो डेवलपमेंट किसकी हो रही है हमारी हो रही है तो जो रिसोर्सेज होते हैं और डेवलपमेंट दोनों इंटर रिलेटेड हैं टू ईच अदर हम इन्हें डिफरेंट डिफरेंट काउंट नहीं कर सकते रिसोर्सेज हैं तभी हमारी डेवलपमेंट हो रही है यदि हमारी डेवलपमेंट रुकती है इट मीन्स हमारे पास रिसोर्सेज की डेप्लीशन है आई होप मैं आपको क्लियर हूँ ओके अब नेक्स्ट बात हम कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की स्टूडेंट्स हम रिसोर्स को फोर बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं फर्स्ट है उनके ऑरिजिन के बेस पर सेकेंड उनके एग्जॉस्टेबिलिटी के बेस पे थर्ड ऑनरशिप के बेस पे ऑन फोर्थ इज़ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट जो बायोटिक ओरिजिन के बेस पे दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं बायोटिक रिसोर्सेज एंड एबायोटिक रिसोर्सेज बायोटिक रिसोर्सेज वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो हमें बायोस्फीयर से मिलता है अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी डाउट होगा कि बायोस्फीयर क्या होता है ओके okay. पहले बायोस्फीयर देख लेते हैं दिस इज बायोस्फीयर दिस इज लिथोस्फीयर हमारा लैंड पोर्शन है दैट इज़ दी हार्ड हाइड्रोसफ्योर दैट इज़ वाटर पोशन एंड दिस इज द एटमोसफियर हमारा एयर पोशन तो जहाँ पर आपका लिथोसफ्योर एटमोसफ्योर और हाइड्रोसफ्योर तीनों मिलते हैं सारा लिविंग ऑर्गेनिज़म वही रहता है इट मीन्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म हैं जो इस बायोसफ्योर में मिलते हैं वो बायोटिक रिसोर्सेस हैं। आई होप मैं क्लियर हूँ स्टूडेंट्स एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझ लेते हैं जब एग्जाम में आपको बायोस्फीयर की डेफिनेशन लिखने आती है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स डेफिनेशन की तरफ जाते हैं स्टूडेंट्स मैं आपको डायग्राम पे फोकस क्यों करती हूँ मेरी पढ़ाई में मैं ज़्यादातर डायग्राम को ही फोकस करती हूँ कि आप डायग्राम के थ्रू अपने आ, आंसर को प्रेजेंट करिए ताकि जो एग्ज़ामिनर है उसके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन जाता है और डायग्राम से हर चीज़ आपको क्लियरली आप डिपिक्ट करते हैं और क्लियरली एग्जामिनर समझता है अब हम इसी एग्जाम्पल को यदि मैं कहूँ कि आपको यही डायग्राम पेपर में बनाना है तो आप इतना सब कुछ नहीं बना पाएंगे ना तो आपको सिंपली करना क्या है आप इस तरह से एक दूसरे को क्रॉस करते हुए थ्री सर्कल बनाइए और अब दिखाना क्या है आपको बायोस्फीयर दिखाना है यदि आपको वन मार्क्स में या थ्री मार्क्स में बायोस्फीयर आता है तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे दैट इज़ द एटमोसफियर दिस इज़ लिथोस्फीयर एंड दिस इज़ दाइड्रोस्फ्योर और जहाँ पर ये तीनों मिले ऐसा पोर्शन कौन सा है ये वाला तो यही तो बायोस्फेयर है बस इतना सा डायग्राम आपको बनाना है और आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे इसीलिए यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि बायोस्फीयर क्या है इसीलिए डायग्राम के थ्रू आपको आंसर्स डिपिक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए आई नो स्टूडेंट्स सोशल साइंस में कोई भी फोकस नहीं कर रहा है डायग्राम के ऊपर सभी लिखते हैं कि बड़े बड़े पेजेस में बड़ा बड़ा लिख कर आइए लेंथ बना देते हैं हाँ, आपको वर्ड लिमिट होती है आई नो वर्ड लिमिट होती है स्टूडेंट्स लेकिन आपको वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग कोई भी प्रॉपर चेक नहीं करता है हाँ मार्किंग स्कीम जरूर होती है उसके अकॉर्डिंग चेक होता है तो आप यदि डायग्राम के थ्रू अपने आंसर को प्रेजेंट करते हैं देन ये एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन होता है और आपकी आइडियोलॉजी आपके आइडियाज़ क्लियरली उसको समझ आते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं अब आपको बायोस्फीयर क्लियर हो गया हम वापस से अपनी क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं अब आप समझ गए होंगे कि बायोटिक रिसोर्स क्या होते हैं उसके बाद जैसे फ्लोराफोना ह्यूमन बींग्स फिशरीज़ ये सब एग्जांपल्स हैं उसके बाद है एबायोटिक रिसोर्सेज एबायोटिक रिसोर्स के अंदर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आता है लाइक मेटल्स रॉक्स वाटर शॉयल ये सब जो जितना भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब एबायोटिक के अंदर आता है आई होप मैं आपको क्लियर हूँ उसके बाद हम पढ़ते हैं एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे भी रिसोर्स को हम टू टाइप्स uh, में डिवाइड करते हैं फर्स्ट है रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड सेकेंड है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे आप हिंदी में ए लगाने से आपका आंसर नकारात्मक हो जाता है निगेटिव हो जाता है वैसे ही आप जैसे आपने लिखा सक्षम सक्षम मीन्स आप उसको काम उस काम को करने की ताकत है आपके अंदर अ सक्षम मीन्स आप उसको नहीं कर पाएंगे तो हमने सिंपली ए ऐड किया और आपका आंसर नेगेटिव हो गया वैसे ही हमने नॉन ऐड किया इट मीन्स आपका आंसर इसके ऑपोजिट हो गया अब रीन्यूएबल में क्या है री का मतलब बार बार न्यू मतलब नए यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जिनको आप बार 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 यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ रिन्यूएबल रिसोर्सेज वेरी सिंपल अब ये रिन्यू कैसे होंगे कोई भी फिजिकल केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस से ये रिन्यू हो सकती हैं लेकिन इतना याद रखिए कि बार बार रिन्यू होने वाले रिसोर्स बार बार यूज़ होने वाले रिसोर्सेज रिन्यूएबल होते हैं लाइक सोलर एनर्जी विंड एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सिस अब मैंने अभी आपको बताया नॉन लगने से उसका ऑपोजिट हो जाता है तो रिन्यूएबल में क्या था आप बार बार यूज़ कर सकते हो इसका ऑपोजिट क्या होगा आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हो सिंपली तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के अंदर ऐसे रिसोर्सिस आते हैं जिन्हें आप बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते एक बार इस्तेमाल करने के बाद उनके ख़त्म होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है और उनको दोबारा से बनने में कई हजारों वर्षों लगते हैं जैसे आपका फॉसिल फ्यूल फॉसिल मतलब जीवाश्म यानी कि जीवों के बचे खुचे जो टुकड़े होते हैं उनसे बनने वाला ऑयल जब वो लाखों वर्षों तक अर्थ के नीचे अर्थ में नीचे दब जाते हैं और नीचे से अर्थ की हीट और ऊपर से प्रेशर की वजह से वो धीरे धीरे कई वर्षों की आ, प्रोसेस में एक ऑयल के फॉर्म में बन जाते हैं तो जिसे हम फॉसिल फ्यूल बोलते हैं अब इस नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल रिसोर्सेज के लिए भी मैंने एक बहुत अच्छा सा डायग्राम सेलेक्ट किया है हेयर इज़ इट रिनुएबल रिसोर्स के अंदर सोलर एनर्जी बायोमासर्जी विंड एनर्जी जियोथर्मल एनर्जी हाइड्रो पावर एनर्जी ये सब रिनुएबल एनर्जी रिसोर्सेस हैं और नॉन रिनुएबल के अंदर फोसिल फ्यूल कॉयल नेचुरल गैस न्यूक्लियर एनर्जी ये सब नॉन रिनुएबल एनर्जी रिसोर्सेस हैं अब आप बायोटिक ए रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सिस को अच्छे से समझ चुके हैं नेक्स्ट है ऑनरशिप के बेस पे ऑनरशिप के बेस पे जो रिसोर्सेज होते हैं उनको फोर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं इंडिविजुअल इंडिविजुअल मतलब एक व्यक्ति का नियंत्रण जिनके पास होता है एक व्यक्ति ने ओन करके रखा है जैसे आपका आपकी आपका लैंड आपकी सॉरी uh, आपकी लैंड आपका हाउस आपका प्लॉट आपकी कार जिसके ऊपर आपका राइट right है ओके okay? वो आपका इंडिविजुअल रिसोर्सेस है कम्युनिटी ओन रिसोर्सेस, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेस कौन से होते हैं ऐसे रिसोर्सेस जो पूरी सोसाइटी के द्वारा यूज़ किए जाते हैं जैसे पब्लिक पार्क्स प्लेग्राउंड कम्युनिटी सेंटर्स इसे हम कहते हैं कम्युनिटी ओन्ड बेस यानी कि पूरी सोसाइटी के लोग उनको विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन इक्वली यूज़ करते हैं उसके बाद नेशनल रिसोर्स होते हैं जो एक देश की नेशनल बाउंड्री के अंदर आते हैं तो आप समझ गए होंगे नेशनल बाउंड्री के मतलब हम इंडिविजुअल और कम्युनिटी ओन्ड दोनों ही तो दो एक कंट्री की नेशनल बाउंड्री के अंदर आते हैं इट मीन्स इंडिविजुअल और कम्युनिटी ओन्ड यदि हम दोनों को मिला दें तो नेशनल रिसोर्स बन जाते हैं दूसरा एक और ध्यान देने की बात है कि जो हमारी नेशनल बाउंड्री होती है किसी भी कंट्री की उसके 12 नॉटिकल माइल्स या 19.2 किलोमीटर के अंदर का जो एरिया होता है बाउंड्री के साथ साथ सी लेवल में उसके ऊपर भी उस देश का कंट्रोल होता है उन रिसोर्स को भी वो कंट्री यूज़ करती है जिसकी नोटिकल माइल्स के ट्वेल्व नोटिकल माइल्स या नाइनटीन पॉइंट टू किलोमीटर की बाउंड्री के अंदर वो रिसोर्स आते हैं और इसकी फोर्थ टाइप है इंटरनेशनल रिसोर्स इंटरनेशनल रिसोर्स मीन्स जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनस होते हैं लाइक यू हो गया तो ऐसे जो रिसोर्स होते हैं उनके ऊपर Uh, पूरी इंटरनेशनल जो यूनिट होती है इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो कंट्रोल करके रखते हैं और ये 200 जो हमारा सी लेवल है उसके अंदर 200 प्लस नॉटिकल माइल्स या आप कह सकते हो 370 सेवेंटी किलोमीटर्स का जो एरिया होता है वो उसके अंदर आता है उनके रिसोर्स को वो कंट्रोल करके रखते हैं नाउ है स्टेटस ऑफ डवेलपमेंट हमारा फोर्थ बेस्ड जिसके ऊपर हम अपने रिसोर्सेज को फोर कैटे फोर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं पोटेंशियल रिसोर्सिस डेवलप्ड रिसोर्सिस स्टॉक्स एंड रिजर्व पोटेंशियल रिसोर्सिस स्टूडेंट्स वो रिसोर्स होते हैं विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड यानी कि उन रिसोर्सेज का हमें पता है कि उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर वो रिसोर्सेज हैं लेकिन हम उनको यूज़ नहीं कर पाते हैं लाइक like, हमारी विंड एनर्जी है हमें पता है गुजरात में राजस्थान में हमें विंड एनर्जी मिलेगी लेकिन उतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है कि हम उनको यूज़ कर पाएँ तो दैट इज़ दोटैंशियल रिसोर्सेज सेकेंड है डेवलप्ड रिसोर्सेज डेवलप्ड रिसोर्सेज में वो वाले रिसोर्सेज आते हैं विच आर सर्वेड एंड देर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डेटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन यानी कि सर्वे करने के बाद हमने उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही मेजर कर ली हैं अब हमें पता है कि कौन से रिसोर्सेज की क्वालिटी अच्छी है और वो हमें किस एरिया में मिलेगा तो हम उनको वहाँ से यूटिलाइज़ कर सकते हैं स्टॉक फोर्थ थर्ड वन इज स्टोक स्टोक में मिनरल्स इन द इन्वायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बींग डू नॉट हैव द द्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस ऐसे रिसोर्सिस जो हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल हैं उनके अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो हमारी नीड्स को भी सेटिसफाइड कर सकते हैं लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी वजह से हम उनको निकाल नहीं पा रहे हैं और हम उनको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं और रिजर्व में वो वाले रिसोर्सेज होते हैं विच कैन बी पुट इन टू यूज़ विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी बट देयर यूज़ हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड याट रिजर्वस माने आप कह सकते हो एक तरह से जैसे आप अपने सामान को स्टोर रूम में रखते हो एक्स्ट्रा जो सामान होता है जब आपके किचन में या कहीं और पर जब आपका सामान ख़त्म हो जाता है तब आप उसको वहाँ से निकाल लेते हैं तो ऐसा ही रिजर्वस में होता है वो वाले रिसोर्सेस जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के साथ हम उनको यूज़ कर सकते हैं लेकिन अभी हमने उनका यूज़ करना स्टार्ट नहीं किया है आई होप मैं आपको क्लियर होंगे स्टूडेंट्स मैंने अब पूरी क्लासिफिकेशन समझा दी है आपको चारों टाइप्स के समझा दी हैं ऑरिजिन के बेस पे कितने टाइप्स के होते हैं एग्जॉस्टेबिलिटी के बेस पे कौन से रिसोर्सेज होते हैं ऑनरशिप के बेस पे कौन से रिसोर्सेज होते हैं और स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेस पे हम हम रिसोर्सेज को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं नाउ द नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर तो दिस इज ऑल अबाउट योर वर्कशीट एंड फर्स्ट क्वेश्चन है मेंशन एनी टू नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विच यू यूज इन योर डेली लाइफ आप अपनी डेली लाइफ में जिन रिसोर्सिस का यूज़ करते हैं आप उनके बारे में किसी दो के बारे में लिखना है एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स आपको संसाधनों के महत्व के बारे में लिखना है वाट आर द फीचर्स दैट मेक अनथिंग आर रिसोर्सेज संसाधन कहलाने के लिए किन किन गुणों की आवश्यकता होती है उनको लिखना है classify द resources दैट यू यूज इन योर डेली लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ अबोव mentioned classification हमने अपने दैनिक जीवन में जो संसाधन प्रयोग करते हैं उनको उपरोक्त हमने जित जो भी अभी क्लासिफिकेशन पढ़ी है उसके बेस पर हमें उनको क्लासीफाई uh, करना है दिस इज योर वर्कशीट जो आपको आपके स्कूल से आपके टीचर्स के द्वारा मिली होगी जिसको भी मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया है इसमें सारी यही चीज़ें हैं आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं यदि आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरीज रिगार्डिंग एनी टॉपिक विच वी डिस्कस इन दिस वीडियो सो यू आर मोस्ट वेलकम यू कैन आस्क मी यू कमेंट मी एंड दिस वीडियोज़ हेल्प यू इन योर स्टडीज़ मैं सिंपली वर्कशीट को भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ स्टूडेंट्स बट देट नॉट मच इंटरेस्टिंग और आप आजकल के स्टूडेंट्स बड़े इंटेलिजेंट uh, हो गए हैं यदि उन्हें कोई चीज़ इंटरेस्टिंग ना लगे तो वो उस चीज़ को पढ़ते नहीं हैं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको इंटरेस्ट के साथ साथ आपका इंटरेस्ट बने इसके साथ साथ मैं पी पी टीज बनाती हूँ ताकि आप उसे इंटरेस्टिंग लगे और उस इंटरेस्ट के साथ पढ़ें और वो एकदम से आपके माइंड में फिट हो जाए सो so, अगर आइए वीडियोस और मेरा जो एम है यदि वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो रहा है तो एक बिग लाइक like तो बनता है वीडियोस को और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें उसके साथ में एक बेल आइकन है उसको प्रेस ज़रूर करें Uh, so that you will get uh, the notification of my new video and uh, stay safe stay healthy stay home have a nice day